राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा दिन बाद बरसात आने वाली है, तो बरसात से पहले ही हमने खेत की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो कल मैंने वीडियो में बताया था कि तैयारी हम किस प्रकार करते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार जो ये आग के पौधे हैं इनको एक बार काट के रख दिए, देख लीजिए पूरे खेत में कितने आग है। चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आग ही आग दिखाई देते हैं। सब को काट के रख दिया है और ये सूखने के बाद में इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये बाद में जलाने के काम आएंगे। तो इनसे रोटी बनाते हैं और घर में और भी जो कोई काम काज होता है वो पकाने के लिए काम आता है। और सही है, इनको स्टोर कर लेते हैं तो बरसात के मौसम में, और लगभग साल भर यही लकड़ी है काम में लेने के लिए। और इधर ये सूखे इलाके में और कोई लकड़ी नहीं होती है ज़्यादा जलाने के लिए, और यही होती है। तो वो उधर बकरियाँ एक बार चली गई है और बहुत तेज धूप पड़ रही है, वो देखो फिर भी सरने के लिए गई है। तो वापस आएगी, इनको पिलाएंगे पानी। और खेत पूरे में आग की फसल को काट दिया है, इसको पूरी पूरी को। और भी जो ऐसे होते हैं ना, ये रोइड़े के पौधे, इनको भी काट दिया है। तो अब ज़मीन पूरी तरह से एक बार तप कर तैयार हो जाएगी, तो इसमें जो भी कीटाणु जीवाणु होते हैं गर्म होकर नष्ट हो जाएंगे और बाद में फसल भी एकदम अच्छी होगी। तो धूप बहुत तेज है और बाद में और क्या काम होता है वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का आनंद लेते रहिए। गाय को पानी पिला के यहाँ पर बांध दिया और बकरियाँ यहाँ पर एक खड़ी है, बाकी वाली चली गई। ये एक यहाँ पर खड़ी इंतजार कर रही है। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं जाली लगाने का काम कितना हुआ है वो दिखाएंगे। धूप बहुत तेज है तो ऐसी गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी शाम को 5 बज रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये इस प्रकार की जाली लगाएंगे, इसको भी हटाना पड़ेगा अब। ये देख लीजिए, इस प्रकार से सभी इन पट्टियों को खोद खोद के गिरा दिया है, अब ले जाके वहाँ रखेंगे। अब ये बहुत गर्म है इस समय, इनको यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ये इस प्रकार सभी को देख रहे हैं आप, हटा के रख दिया है, खोद के गिरा दिया है और यहाँ से वहाँ ले जाके फिर से इनको खोद के मजबूत करके फिर ये तार खींचेंगे। और ये तार भी अभी हटाने हैं। बीच में सभी ये जो भी पट्टियाँ थी इनको फ्री कर दिया, और एक साइड वाली, एक बीच में और एक, ये तीन जगह से बस बांध के रखें क्योंकि तार एक दूसरे के आपस में उलझ न जाए इसलिए। और इनको ले जाना भी बड़ा मुश्किल है कि ये कंटीला तार है, लगने का बहुत ही डर रहता है, इसीलिए दो तीन लोग मिलके या इनको समेट के ही ले जाएंगे। चलते हैं वहाँ पर। तो कल कुछ सामान लाए थे वो आपको दिखाता हूँ मैं। दरवाजे है, जंगले हैं, और जाली को समेट के इस प्रकार के गट्टे बना बना के रख दिए, तो अब इनको दोबारा लगाने में आसानी होगी। पहले पट्टियाँ लगा के फिर तार खींच के और बाद में लगाएंगे।
ये देख लीजिए इस प्रकार के, इस रसोई के लिए ये दरवाज़ा लाए हैं और तीन ये जंगले हैं। बहुत ही मज़बूत लकड़ी से बने हुए हैं ये दरवाजे और जंगले वगैरह सभी, और इनमें जो ये पाइप हैं ये स्टील की लगी हुई है, बहुत ही मज़बूत है। तो चलिए और क्या होता है व्लॉग में आगे दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए 7 और सूर्यास्त होने वाला है, ये देख लीजिए बिल्कुल लालिमा युक्त सूर्य दिखाई दे रहा है। और पशु आ गए वापस घर, अब इनको सारना और फिर बांधना यही काम करेंगे। तो आज के वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रहा हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।